नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा भोगांव में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें जैन मंदिर के श्रद्धालुओं ने भक्त भाव के साथ भगवान पार्श्वनाथ का जलाभिषेक किया। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की ये रिपोर्ट। कस्बा भोगांव में भगवान श्री चंद्र प्रभु व श्री पार्श्वनाथ का जन्म व तप कल्याण महोत्सव 3 दिवसीय समारोह संपन्न हुआ। इस आयोजन के अंतिम दिन मंगलवार को भगवान चंद्र प्रभु पार्श्वनाथ जयंती के अवसर पर जैन समाज द्वारा भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि सीओ प्रियांग जैन ने कहा कि जैन समाज अहिंसा धर्म प्रधान धर्म है, वहीं सभी जीवों के प्रति प्रेम व करुणा का उपदेश देता है। जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर जीवन में स्वयंभेव सुख शांति का आगमन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष जैन। ये जो आज शोभा यात्रा निकली थी, इसमें क्या क्या आयोजन किए गए? आज हमारे यहाँ शोभा यात्रा में आज हमारे देश में तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म कल्याणक महोत्सव था, जिसके तहत आज सुबह श्री पार्श्वनाथ जिनालय में पूजन और भक्ति का कार्यक्रम हुआ। उसके उपरांत यहाँ पर पूरे नगर में पार्श्वनाथ भगवान की रथ यात्रा का भ्रमण जैन मंदिर से प्रारंभ होकर के और घंटाघर चौक होते हुए वापस आलू मंडी और आलू मंडी से होता हुआ फिर जैन मंदिर पर आकर के समाप्त हुआ। उसके उपरांत भगवान का अभिषेक होने के उपरांत इस कार्यक्रम का समापन किया गया। शाम को पूरा पालने का कार्यक्रम यहाँ पर होगा, का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। आज हमारे यहाँ जो रथ यात्रा का आयोजन हुआ है, ये 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान, 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव, जिसमें बाहर से हमारे विद्वान पंडित जी अभिनव शास्त्री जी आए थे। उन्होंने प्रवचन, सुबह भक्ति, रात को भक्ति पालना, ये सब कार्यक्रम होने, देर रात तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। और मतलब रात कै बजे तक कार्यक्रम चलेगा? रात देर रात तक कार्यक्रम चलेगा। बच्चों का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें प्राइज वितरण वगैरह भी होगा। जी, प्राइज वितरण वगैरह भी। हाँ, प्राइज समापन समारोह आज ही हमारा 3 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। 30-31 से आज समापन है। कल रात को ही हमारे यहाँ पार्क प्रोग्राम बच्चों का हुआ था और उस कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य नाटक पेश की थी, बहुत ही अच्छी नृत्य नाटक पेश की थी।